हरियाणा लोकसभा चुनाव समिति प्रभारी कलराज मिश्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने भाजपा की धारा 370 को खत्म करना पर हम से ही प्रतिबद्धता लगाई हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में भाजपा आगे बढ़ रही है और कश्मीरी मुख्य धारा के साथ जुड़े हैं। इस दिशा में माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीरी की जनता का रुझान भाजपा की ओर बढ़ा है। हम अलगावादियों को अलग थलग करते हुए इस पर काम कर रहे हैं और भाजपा ने 15 लाख रुपए का कभी वादा नहीं किया। घोषणा पत्र में भी इसका जिक्र नहीं है। हम आमजन को इससे भी ज्यादा कमाने का अवसर दे रहे हैं और देंगे। कलराज मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में कांग्रेस सरकार में थी तब 72,000 रुपए देने वाले कहां थे। अभी कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया है कि 72,000 रुपए साल हम गरीबों को देंगे। और दूसरा, कांग्रेस ये भी कहती है इस नारे के, इस घोषणा के एवज में, कि आपने 15 लाख का वायदा किया था, आप दे नहीं पाए और हम 72,000 रुपए देंगे, तो कैसे देखते हैं। हमने 15 लाख का कभी वायदा नहीं किया था। पहला साफ करना था, एक बार भाषण में कहीं सार्वजनिक भाषण में हमारे नेता के मुंह से बात निकल गई थी कि वहां से जब काला धन ले आए तो 15 लाख एक ही घर में जा सकता है, ये बोले थे। न तो घोषणा पत्र में, न कभी प्रधानमंत्री के द्वारा इस बात की बात नहीं कही। उसी एक बात को झूठे तौर पर प्रचारित करके आम जनता को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। हम 15 लाख क्या, उससे ज्यादा ही लोगों को अपनी योजनाओं के माध्यम से आमदनी कराकर उनके खाता में जमा करवा दिया है। ये तो हुआ, ये 15 लाख की बात नहीं रही। दूसरी बात, आपने कहा कि ये 72,000 ये 10 वर्ष तक हमारी सरकार आने के पहले थे, उसमें 72,000 के बारे में क्यों नहीं सोचा। इन्होंने कहते हैं 72,000 जो उसमें है, 12,000 हर व्यक्ति को दे दो, न्यूनतम आय वाले के लिए कहा है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी। ताजा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।